Happy Valentine's Day. Happy Valentine's every day. Valentine's Day is big, huh? मायने रखता है ऑब्वियसली. आई थिंक एवरी डे इज अ वैलेंटाइंस डे. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं वैलेंटाइंस ये रोज डे वोज डे में बिलीव नहीं करता हूं. बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू डोंट अ कपल डोंट नीड अ डे फॉर इट. एवरी डे इज वैलेंटाइंस डे. नो बट दैट्स हाउ आई बिलीव इन. कि रोज डे क्या है, एक दिन किसने रखा है रोज डे, क्यों है रोज डे, प्रपोज डे क्या है, मुझे नहीं समझ में आता. मुझे लगता है काफ़ी कमर्शियल चीज़ें हैं. अगर आपको प्यार है तो प्यार है, तो आपके लिए रोज़ वैलेंटाइंस डे है, आपके लिए रोज़ डे है या प्रपोज डे है, रोज़ करो यार. मतलब किसी का एक दिन का वेट क्यों करना है ये दिखाने के लिए कि आप कितना प्यार करते हो, वो इजहार करने के लिए. यू डोंट नीड दैट, डू यू? नोबडी डज दैट. एंड एक कमर्शियल एस्पेक्ट है कि हाँ आज डेट आई है वैलेंटाइंस डे की तो मना लेते हैं. लड़के पर भी प्रेशर बेचारे पे कि लड़की को कहाँ लेके जाना है, क्या करूँ, परेशान घूम रहा है. अरे अब चार दिन पहले तो डेट पे लेके गया था, फिर से आ गई वैलेंटाइन. तो इट्स ज़बरदस्ती का प्रेशर ऑन बोथ द कपल्स के भाई वैलेंटाइंस डे तो कुछ तो करना ही है. अपने लिए करो जो करना है, ज़रूरी नहीं है यू हैव टू फॉलो एनी डेट और एनी यू नो टाइम और अपने ऊपर होना चाहिए. इट्स टू पर्सनल. वैलेंटाइंस डे से पहले अगर किसी ने प्रपोज किया हो एक लड़की को, तो फिर अब वो अगले दिन वैलेंटाइन भी मनाएगा क्या? नहीं ना, उसी टाइप का वैलेंटाइन. देखो अगर जिस तरह जैसे अभी मैंने बताया, हाँ हम शूट कर रहे हैं तो वही हमारा वैलेंटाइन डे. सुरेन राघव, हैप्पी वैलेंटाइंस एवरी डे. हैप्पी वैलेंटाइंस डे. हाँ, जिंदगी को ऐसा समझो कि वैलेंटाइंस डे रोज है. अगर आप प्यार में हैं तो आपके लिए वैलेंटाइंस डे रोज ही है. तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे फॉर एवरी डे.